ओम बिरला और संसदीय क्षेत्र के दौरे पर बिरला हैं। रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन का सम्मान समारोह संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। एक अच्छी शिक्षण संस्था है, अब कोटा में नहीं दिल्ली में भी चला रहे हैं। महेश गुप्ता जी मेरे मित्र, मंच में विराजे सभी नेतागण, सभी इस कार्यक्रम में पधारे रिटायर्ड अतिथिगण, अतिथियों भाई और बहन। मैं दिनेश जी और जैन साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने एक नई पहल की है और ये पहल किए जिन लोगों ने केंद्र राज्य के अंदर अपनी सेवाएं देकर इस राज्य के और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय इस राज्य को आगे बढ़ाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना जीवन दिया है और जिस समर्पण के साथ, जिस सेवा के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस कठिन परिश्रम के साथ और अनुकूल परिस्थितियों नहीं होने के बाद भी आपने सामाजिक जीवन के अंदर और लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं जब रिटायर्ड लोगों से मिलता हूं और उनमें अभी भी जो ऊर्जा देखता हूं, जो काम करने की उनकी ऊर्जा, लगन, कठिन परिश्रम करने की संस्कार और देश और समाज में अभी तक कुछ न कुछ योगदान देने के लिए वो हमेशा अभी भी तैयार रहते हैं और इसलिए बचा जीवन सामाजिक सेवाओं के माध्यम से किस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन को बदला जा सकता है, उनके अभावों को दूर किया जा सकता है और समाज में जो अभाव हैं, उन अभावों को दूर करने के लिए भी सहयोग करते हैं और समाज के अंदर जिन चुनौतियों से हम लड़ रहे हैं, देश और विश्व जिन चुनौतियों से लड़ रहा है, चाहे वो पर्यावरण की चुनौती हो, चाहे वो अशिक्षा की चुनौती हो, चाहे वो हेल्थ की चुनौती हो, हर विषय के अंदर आप लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। पिछली बार आपने और इस बार भी ये कोटा हरा भरा बने इसके लिए व्यापक प्रयास किया, उसके कुछ परिणाम आए और परिणाम भविष्य की पीढ़ी को मिलेंगे। जब आज जो पौधा लगाएंगे उस पौधे का लाभ हमारी आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को सुरक्षित करने का काम करें, क्योंकि देश के अंदर और दुनिया के अंदर आज सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन की और चुनौतियों से जब लड़ा जा सकता है, जब हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें और लोगों की जीवन शैली के अंदर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो, हम हमारा कार्य संस्कृति ऐसी हो जिससे हमारे कामों से, समाज जीवन के कामों से पर्यावरण खराब न हो। आपने देखा होगा कोविड के समय जब लोग घर पे थे।